Assalamu alaikum dosto, welcome to my channel. I am Mr. J. How are you? I hope you are fine. Dosto, is video mein hum baat karte hain no objection letter ki, jisko hum kehte hain NOC. Basically different criteria mein taiyar ho jate hain, lekin ye jo letter hai ye Turkish embassy ke liye hai. मतलब कि आपको कंपनी की तरफ से जो लेटर दिया जाता है वो बताया जाता है कि इस डेट से आपने ज्वाइन किया था हमारे पास और अच्छा वर्किंग कर रहे हैं, आपका डेजिग्नेशन बताते हैं कि आपके जाने में कोई इतराज़ नहीं है. तो लिहाजा दोस्तों आपको ब्रीफली बताया जाता है, यहाँ पे नेम ऑफ एम्प्लॉयर का नाम आ जाएगा, ठीक है. यहाँ पर एम्प्लॉयर का नाम देना है, कंपनी नेम कम्प्लीट यहाँ पर लिखा जाए, एड्रेस लिखा जाए और सिटी कंट्री. आप डेट मेंशन कर दीजिए यहाँ पर, टू तुर्किश एम्बेसी कॉन्सुलेट कराची, जहाँ पे भी आपने अप्लाई करना है वो मेंशन कीजिए. सब्जेक्ट लेटर एनओसी फॉर, यहाँ पे उसका नाम देना है जो वर्किंग करता है. मतलब कि अगर आप ये लेटर अपनी कंपनी के हवाले से अपने एम्प्लॉय को देना चाहते हो, उस एम्प्लॉय का यहाँ पर नाम मैंशन करना है. एम्प्लॉय नेम मतलब कि जफर अली, ख्वाजा, वट एवर आप पे इधर ऐड कर सकते हैं जिनके वाले से. डियर सर मैडम, हेयर बाई लेटर इज टू कन्फर्म दैट मिस्टर जफर अली इज एन एम्प्लॉय विद आवर कंपनी सिंस 3rd अप्रैल 2016 ऑन अ फुल टाइम बेसिस. He is currently working as supervisor at company name आ जाएगा, यहाँ पर आपकी कंपनी का नाम आ जाएगा. Mr. Zafar Ali has expressed his interest in visiting Turkey for leisure and tourism purpose. Our company has no objection regarding his visit to Turkey for 7 days. I'd also like to let you know that his leaves have been approved from 19 June 2019 to 27 June 2019 for this overseas trip. For any further details and inquiry, please feel free to contact us. Yours sincerely, company name yahan pe mention ho jayega. नेम ऑफ द हेड ऑफ डिपार्टमेंट उसका नेम यहाँ पे मेंशन हो जाएगा और डेजिग्नेशन क्या है सीईओ, यहाँ पे इसकी स्टैंप आ जाएगी और सिग्नेचर आ जाएगा. ये होता है नो ऑब्जेक्शन लेटर, मतलब कि आपको कंपनी की तरफ से दिया जाता है. फॉर एग्जांपल कंपनी आपको कहती है आप तैयार करके ले आएँ, ठीक है, हम आपको स्टैंप कर देंगे और साइन कर देंगे. तो ये मोस्टली रिक्वायर्ड होता है एम्बेसी में, जहाँ पर आप जॉब करते हो तो आप उसके साथ अपनी सैलरी स्लिप लगाते हैं और ये एक एम्प्लॉयमेंट लेटर लगाते हैं. यहाँ पे फर्दर आप मेंशन भी कर सकते हैं कि आप कितनी सैलरी ले रहे हैं, वो भी मेंशन किया जा सकता है सैलरी के बारे में. लिहाजा मोस्टली लेटर इसी तरह ही होता है, क्योंकि सैलरी स्लिप आप इंक्लूडिंग साथ लगाते हैं, सैलरी स्लिप जो साथ लगाई जाती है. फिलहाल मैं आपको सैलरी स्लिप ब्रीफली दिखा देता हूँ कि सैलरी स्लिप किस तरह की होती है. यह सैलरी स्लिप होती है, ऑलराइट. इसमें आपका आ जाता है वर्किंग के हवाले से और बेसिस फिक्स सैलरी, ये है 26 डेज वर्किंग डेज आवर्स 26 और बेसिस सैलरी 28,000 और आपको अलाउंस कितना दिया जा रहा है ये मेंशन हो गया, 37,000 आ जाती है. ऑलराइट, सो ये सैलरी स्लिप होती है आपकी. यहाँ पे कंपनी का नाम मेंशन हो जाता है, जो कंपनी है, डेजिग्नेशन, ओवरऑल थिंग. यहाँ पे ये मैंने आपको दिखा दिए है ब्रीफली, इसी तरह ये सैलरी स्लिप इस तरह से बनाई जाती है. और मोस्टली लोग कैश लेते हैं तो उनको कैश इस तरह मेंशन किया जाता है, तो लिहाजा इसको आप चेक कर सकते हैं. तो दोस्तों इस वीडियो में आपको मैंने दिखा दिया सैलरी स्लिप्स के हवाले से और आपके एनओसी लेटर के हवाले से. सो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, और कोई फर्दर डिटेल्स आपको चाहिए या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. लिहाजा मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नेक्स्ट आने वाली वीडियो पर आप वेट कीजिए, मैं बहुत सी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ. सो सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़.